स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम उपसंयोजक यौगिकों का अणु सूत्र किस प्रकार से लिखना है वह समझें। एक नाम के उपसंयोजक यौगिकों का अणु सूत्र लिखना। एक नाम के से तात्पर्य होता है ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। अणु सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक का अणु सूत्र उसके संगठन के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि उसमें कौन कौन से तत्वों के कितने कितने परमाणु। एक नाभिकीय उपसंयोजक यौगिक वह होते हैं जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ऐसे उपसंयोजक यौगिकों के अणु सूत्र लिखने के लिए हम निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम, केंद्रीय धातु परमाणु को सर्वप्रथम लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु को सर्वप्रथम लिखा जाता है। दूसरा, उसके पश्चात लिगेंडों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। उसके बाद लिगेंडों को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर मान लीजिए दो लिगेंड है तो पहले जिसका नाम ए से शुरू होगा उसको लेंगे, फिर जिसका नाम सी से शुरू होगा उसको लेंगे। बहुतांतरिक लिगेंड भी वर्णमाला के क्रम में ही लिखे जाते हैं। संपूर्ण उपसंयोजक यौगिक का सूत्र बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है, बड़े कोष्टक में लिखते हैं Fe(CN)3-। संपूर्ण उपसंयोजक यौगिक का सूत्र बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंडों के सूत्र लिखते समय उनके बीच में कोई स्थान रिक्त नहीं छोड़ते, कोई स्थान रिक्त नहीं छोड़ते। लिगेंडों की संख्या एक से अधिक हो तो उनका सूत्र छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर CN, 6 CN है, इसलिए इनको छोटे कोष्टक में लिख करके हमने कोष्टक के बाहर नीचे की ओर 6 लिखा हुआ, उसके बाहर नीचे की ओर उनकी संख्या लिखी जाती है। धन आयन व ऋण आयन संकुल के सूत्र में बड़े कोष्टक के बाहर प्लस या माइनस का चिन्ह लिखा जाता है और ये राइट सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे इसमें लिखा Fe(CN)6(3-), ये सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखा है। जैसे घात हम लिखते हैं वैसे लिखा जाता है। तथा आवेश की संख्या प्लस या माइनस चिन्ह के पूर्व लिखते हैं। आप यहां 3 ऋण आवेश हैं तो यहां हमने 3- लिखा है, इसका मतलब है -। संकुल धन व ऋण आयन के आवेश को, जो संकुल धन या ऋण आवेश ऋण आयन पर जो आवेश है उसे हम उपयुक्त धन व ऋण आयन के साथ संतुलित करते हैं तो बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे Fe(CN)3-, इस पर 3-4 है तो इसे हम 3 के प्लस से संतुलित करेंगे और इसका सूत्र बनेगा K3(Fe(CN)6)2। तो ये जो अणु सूत्र है ये पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरे थर्ड यौगिक का अणु सूत्र इस प्रकार से लिखा जाता है।